चंबा जिला प्रोग्रेसिव काउंसिल की बैठक का आयोजन प्रधान चंद सहगल की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में चंबा शहर में पार्किंग की समस्या पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि हाल ही में जिला प्रोग्रेसिव काउंसिल के सदस्य पार्किंग समस्या को लेकर नगर परिषद अध्यक्षा से मिले थे और उनसे चौगान नंबर 3 की अस्थायी निःशुल्क पार्किंग को खोलने पर उनसे चर्चा की थी, जिसमें नगर परिषद अध्यक्षा द्वारा पक्ष रखते हुए कहा गया था कि यह पार्किंग सुबह 8 से रात 9 बजे तक के लिए खोली गई थी, लेकिन ऐसा देखा गया था कि अधिकतर वाहन रात को और कई वाहन तो हमेशा वहीं ही खड़े रहते थे, जिस कारण इसे बंद किया गया था। चर्चा के बाद नगर परिषद अध्यक्षा ने यह आश्वासन दिया गया था कि अगर रात के समय इस पार्किंग पर गाड़ियां न लगे तो नगर परिषद इस पार्किंग को खोलने पर विचार कर सकती है, जिसको लेकर जिला प्रोग्रेसिव काउंसिल के सदस्य एसपी चंबा से भी मिले थे और उनसे इस बारे सहयोग की मांग की गई है कि पार्किंग की व्यवस्था बनाए रखने में वह सहयोग करे ताकि रात के समय इस पार्किंग में गाड़ियां न लगे और दिन के समय लोग इस पार्किंग का फायदा उठा पाए। चंबा प्रोग्रेस काउंसिल की मासिक मीटिंग हुई, उसमें सदस्यों ने भाग लिया। सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया कि जो चौगान नंबर 3 जो है पहले पार्किंग के लिए यूज़ किया जाता था, वहाँ चंबा वासी और बाहर के लोग उसको गाड़ी वगैरह खड़ी करते थे, लेकिन कुछ दिनों से म्यूनिसिपल कमेटी उस पार्किंग को बंद किया हुआ है। तो हमारी ये प्रशासन से और म्यूनिसिपल कमेटी से, प्रेसिडेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि उसको दोबारा फिर ऑपरेट किया जाए, और ऑपरेट इस बेसिस से किया जाए कि वहाँ रात को गाड़ी कोई ना खड़ी हो, 9 बजे के बाद कोई गाड़ी खड़ी ना हो। जैसे कि पहले भी ये विदित था कि वहाँ लोग दो दो दिन, चार चार दिन, पांच पांच दिन गाड़ी खड़ी रखते थे, वो वैसा ना हो। तो हमारी ये रिक्वेस्ट ये पुलिस प्रशासन से भी रहेगी कि 9 बजे के बाद वहाँ कोई गाड़ी खड़ी ना हो, अगर कोई गाड़ी खड़ी होती है तो उसको वहाँ से उठा दिया जाए और कोई भी कार्रवाई की जाए। हमें ये लगता है कि चंबा वासियों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ। तो अगर वो कोई आदमी चंबा का या बाहर का जो यहाँ चंबा में आता है या हॉस्पिटल जाना चाहता है या किसी काम से बस चंबा चुगान का चक्कर या वहाँ के लिए आता है, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है गाड़ी लगाने के लिए। तो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए हम कमेटी से ये निवेदन है कि इसको जल्द आरंभ किया जाए। दूसरा हमारा ये रहेगा कि पिछली बार जो बेंडिंग जोन था उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने, चंबा वासियों ने उसका स्टे ले लिया था। तो हमारा प्रशासन से और पीडब्ल्यूडी से ये दोबारा ये एक अनुरोध है कि उस जो स्टे को वैकेट कराया जाए, क्योंकि वो बेंडिंग जोन जो है वो बहुत ज़रूरी है चंबा के लिए, क्योंकि जितनी भी चंबा चुगान के अगल बगल में रेडियाँ हैं वो सारी वहाँ बेंडिंग जोन में एडजस्ट हो जाएंगी। अगर वो एडजस्ट हो जाती है तो चंबा वासियों को और बाहर के लोगों को जो चंबा में घूमने के पैदल जो घूमते हैं उनमें जो ट्रैफिक की वजह से प्रॉब्लम होती है वो बंद हो जाएगी। तो हमारा ये अनुरोध प्रशासन से भी रहेगा कि इसकी जो भी ज़रूरी कार्रवाई हो की जाए और उसका जल्द से जल्द काम शुरू करके वहाँ रेड़ी फड़ी वाले जितने भी लोग हैं वहाँ शिफ्ट किए जाए। आज चंबा प्रोग्रेसिव काउंसिल की मीटिंग लक्ष्मण क्लब में हुई। सदस्यों का कहना था कि हाल ही में वो प्रधान नीलम नैयर नगर परिषद से मिले थे और उनसे प्रार्थना की थी कि जो चौहान नंबर 3 है उसमें पार्किंग जो है उसको पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। तो नीलम नैयर ने हमें बताया कि हमें कोई इतराज़ नहीं है इस पार्किंग खोलने के लिए, लेकिन दुख की बात ये है कि जब हम पार्किंग खोलते हैं तो लोग अपनी गाड़ियाँ सुबह दो तीन तीन महीने तक वहीं पर खड़ी रखते हैं, ऐसे समझ के कि जैसे इनका निजी जो है ये पार्किंग है। तो हमारी सभी से ये प्रार्थना है कि ये जो गाड़ी का जो टाइमिंग है सुबह 8 से 9 बजे तक होना चाहिए। अगर ये पार्किंग पब्लिक के लिए खुल जाती है तो चंबा में जो पार्किंग की प्रॉब्लम है कम से कम भी 70-80% जो इसकी सॉल्व हो सकती है।
बाहर से टूरिस्ट आता है वो बेचारे गाड़ी खड़ी करने उनको मुश्किल हो जाती है, लक्ष्मीनाथ मंदिर सही म्यूजियम जाना होता है उनको तो गाड़ी खड़ी करनी है मुश्किल हो जाती है। आगे टूरिस्ट चंबा में काम आता है आते हैं तो उनको पार्किंग की सुविधा नहीं है। अगर ये खुल जाता है तो यहाँ पर जो है टूरिस्ट भी अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता है। शहर के अंदर जो लोग हैं भगवान ना करे कोई मरीज है उसको ले जाकर अस्पताल ले जा रहे हैं तो वो भी अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। इतना ही नहीं आप देखिए कि जो शहर के लोग यहाँ पर अपना परचेजिंग करने आते हैं घंटा डेढ़ घंटा और खड़ी करनी पड़ती है वो भी यहाँ खड़ी कर सकते हैं। इतना नहीं व्यापार मंडल के हमारे भाई हैं वो भी जब सुबह अपनी दुकानें खोलते हैं तो वो अपनी गाड़ी खड़ी करके शाम को जब बंद करते हैं तो ले जा सकते हैं। अगर ऐसा किया जाए तो इससे पब्लिक को बहुत सहूलत होगी। सदस्यों ने कहा था कि हाल ही के अंदर वो SP चंबा से मुलाकात करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर नगर परिषद इस पार्किंग को जो कि फ्री है इसको अगर चालू कर देती है तो उनसे प्रार्थना है कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए गाड़ी जो है वहां पर 9 बजे के बाद रात को कोई खड़ी ना हो। SP साहब से हम पूरी उम्मीद है कि SP साहब हमारी इस पर पूरी मदद करेंगे और अगर ये पार्किंग इस तरह शुरू हो जाती है 8 से रात के 9 बजे तक तो मैं आपको बता दूं कई जो प्रॉब्लम है हमारी यहाँ सॉल्व हो जाएंगी जहाँ के पार्किंग का वो है और चंबा बाजार में जो जाम लगता है वो भी खत्म हो जाएगा। आपको जैसे मालूम है कि पिछले जो हमारे विधायक थे पवन नैयर उन्होंने ये जो दिल्ली दरवाजे के नीचे जो रेडी फड़ी के लिए दुकानें बनानी थी 300 जो उनको फ्री मिलनी थी उसका पैसा भी आ चुका है और काम भी शुरू हो गया था लेकिन किसी ने उसका स्टे ले लिया है। हमारी नील नैयर जो अभी विधायक हैं चंबा सदर के उनसे प्रार्थना है कि जो किसी ने इसका जो स्टे लिया हाई कोर्ट से इसको वेकेट कराया जाए ताकि ये काम जो है ये जल्दी से शुरू हो सके और रेडी फेडी जो बाजार में लगे रहते हैं और जिसमें ट्रैफिक का भी मुश्किल हो रहा है वो वहाँ पर चले जाएँ तो उससे जो है ट्रैफिक जैम का भी जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी और चंबा एक बड़ा खूबसूरत शहर बन सकता है। तो हमारी नैयर साहब नीरज नैयर साहब से यही प्रार्थना है कि इसको जल्दी से जल्दी विकेट किया जाए ताकि जो रेडी फेडी वाले हैं ये जो है अपना वहाँ अगर दुकानें बन जाती हैं तो वहाँ पर जा सकते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि फ्रॉम हॉस्पिटल टू बालू सड़क का काम जोर शोर पर लगा हुआ है और जब ये सड़क मोटरे पर हो जाएगी तो आपको मालूम ही है जैसे कम से कम 7 किलोमीटर और कम से कम 1 घंटे का फर्क पड़ेगा इफ़ यू आर गोइंग टू पठानकोट साइड और इफ़ यू आर गोइंग टू तीसरा साइड तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये भी हमारी नीरज नैयर साहब से रिक्वेस्ट होगी कि इसका भी काम जल्दी से शुरू हो सॉरी इस काम को इतनी जल्दी से ताकि जल्दी शुरू हो सके। धन्यवाद।